इंदौर जिला प्रशासन जल्द ही मेरा घर मेरी रजिस्ट्री अभियान प्रारंभ करने जा रहा है। हाल ही में निगम के द्वारा अवैध से वैध की गई कॉलोनी में ये अभियान चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। इन दोनों ही कॉलोनी में नोटरी वाले मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। शहर में कई लोगों के अवैध कॉलोनी में प्लॉट या मकान है, लेकिन उनके पास वैध दस्तावेज न होकर नोटरी है। नोटरी के कारण मकान या प्लॉट धारक न तो बैंक से लोन ले सकते हैं और न ही कोर्ट नोटरी को लीगल दस्तावेज मानता है। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन मेरा घर मेरी रजिस्ट्री प्रारंभ करने जा रहा है और इस अभियान के तहत नगर निगम के द्वारा राज्य शासन के निर्देश पर हाल ही में अवैध से वैध की गई कॉलोनियों में ये अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत दो कॉलोनीज को चिन्हित कर नोटरी वालों की रजिस्ट्री की जाएगी। जी हाँ, अपना घर अपना रजिस्ट्री अभियान एक हम लोग चलाने वाले हैं, जिसमें कि देखा गया है कि लोग अलग अलग कारणों से नोटरी तो करा लेते हैं, लेकिन उस नोटरी के कारण अपने घर की जो स्वामित्व है, जो मिल्कियत है, उसको कभी भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, जिससे भविष्य में उनको हमेशा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बैंक से लोन भी नहीं मिलते हैं, रेगुलराइज भी चीज़ें उनकी नहीं हो पाती हैं। इसलिए ख़ास तौर पर ऐसी कॉलोनियाँ जिनको हमने अवैध से वैध किया है और उनमें नोटरी बहुत सारे लोगों के पास में है, उनको हम लोग नोटरी से रजिस्ट्री में किस तरीके से अभियान चलाकर ला सकते हैं, इसके लिए प्राथमिक तौर पर दो कॉलोनियाँ हम लोग अभी चिन्हांकित कर रहे हैं। अगले एक दो दिनों में कैंपेन के रूप में नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के माध्यम से ये अभियान चालू होगा। दो हम लोग अभी कॉलोनियां पायलट बेसिस पर लेंगे, उसके बाद पूरे शहर में इस अभियान को चालू करेंगे। नगर निगम पंजीयन विभाग और राजस्व विभाग की टीम चिन्हित की गई है, जो दो कॉलोनियों में जल्द ही अभियान प्रारंभ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।